रियोस्टेट, रियोस्टेट जो है वो फिजिक्स के सर्किट्स के अंदर इस्तेमाल होने वाला एक डिवाइस है जो कि एक इंसुलेटिंग सिलेंडर पर कंसिस्ट होता है। इसके ऊपर ये जो है एक वायर लपेटी हुई होती है। इस वायर, ये जो वायर है ये मैगनीन की बनी हुई वायर होती है जो कि एलॉय है। ये एलॉय होता है कॉपर और निकल का। इस वायर को इस इंसुलेटिंग सिलेंडर के ऊपर टाइटली वाउंड कर दिया जाता है, बड़े ज़ोर से अच्छे तरीके से लपेट दिया जाता है कि इस पूरे इंसुलेटिंग सिलेंडर को कवर कर ले। इस रियोस्टेट के तीन टर्मिनल्स होते हैं, दो टर्मिनल जो फिक्स होते हैं, एक टर्मिनल को हम ए कह देते हैं, एक को बी। ये दोनों टर्मिनल जो हैं ये हर हाल में फिक्स्ड होते हैं। तीसरा टर्मिनल ये सी है जो कि स्लाइडिंग टर्मिनल भी कहलाता है, इसे हम लोग स्लाइडिंग टर्मिनल बोलते हैं। ये स्लाइडिंग टर्मिनल इसलिए कहलाता है या इसे वेरिएबल टर्मिनल भी कह सकते हैं क्योंकि इस पूरी की पूरी वायर के ऊपर स्लाइड करता है और रियोस्टेट की वैल्यू को तब्दील करता रहता है। रियोस्टेट को हम लोग अपने सर्किट्स में तीन तरीके से इस्तेमाल करते हैं। पहला तरीका, या तो हम जो हैं इसे एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस, या दूसरा तरीका इसको इस्तेमाल करने का ये होता है कि ये एज अ पोटेंशियल डिवाइडर भी इस्तेमाल होता है, पोटेंशियल डिवाइडर। और तीसरे तरीके से हम इसे इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि हम इसे एज अ करंट डिवाइडिंग सोर्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं या एज अ करंट वेयरिंग डिवाइस के तौर पर, करंट वेयरिंग डिवाइस के तौर पर। यानी सर्किट्स में जब भी हमें करंट तब्दील करना हो तो हम वहाँ पर रियोस्टेट को करंट वेयरिंग डिवाइस के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसे फिजिक्स के अंदर इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ सर्किट्स में या मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर रियोस्टेट को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि इसे या तो वेरिएबल रेजिस्टेंस के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर भी, और करंट वेयरिंग जो है डिवाइस के तौर पर भी। मतलब सिर्फ एक रियोस्टेट से तीन तरह के फंक्शन, तीन तरह के काम लिए जा सकते हैं। अब बारी बारी इसके काम देखते हैं। जैसे कि एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस, एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस हम इसे इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। इस तरीके में हम यूँ करते हैं, पहली तो बात ये कि जो रियोस्टेट होता है ना उसे रिप्रेजेंट करने का एक साइन होता है। अगर हम लोग सर्किट्स वगैरह बना रहे हो ना तो उसके अंदर हम लोग इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये इसके दो फिक्स टर्मिनल होते हैं और यहाँ पर एक जो है हमारा स्लाइडिंग टर्मिनल होता है, यहाँ पॉइंट पी पर कहीं पर भी हो सकता है इस रेजिस्टेंस के ऊपर। तो ये जो तरीका है ये रियोस्टेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है सिम्बॉलिकली। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस, जब भी रियोस्टेट को सर्कस के अंदर एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस इस्तेमाल करना होता है तो हम करते ये हैं कि इसके कोई से दो फिक्स टर्मिनल में से एक टर्मिनल इस्तेमाल कर लेते हैं और दूसरा टर्मिनल जो है स्लाइडिंग टर्मिनल इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसा कि अभी मैंने बात की कि हम लोग रियोस्टेट को इस तरह से सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं या इस तरह से लिखते हैं, तो ये हम लोगों ने रियोस्टेट को इस तरीके से लिख लिया। अब हमने बात की है कि अगर एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस इस्तेमाल करना है तो इसके दो केसेस हैं। अगर मैं केस नंबर वन की बात करूँ तो केस नंबर वन ये है कि अगर मैं इसके दो फिक्स टर्मिनल से कोई एक टर्मिनल, लग से कि मैंने टर्मिनल ए इस्तेमाल कर लिया है, ये टर्मिनल ए इस्तेमाल किया और यहाँ से फिक्स टर्मिनल सी इस्तेमाल कर लिए, ये दोनों टर्मिनल जो है मैंने आपस में इस्तेमाल कर लिए। जब इस तरीके से कोई दो टर्मिनल, एक फिक्स टर्मिनल और दूसरा स्लाइडिंग टर्मिनल इस्तेमाल कर लिया जाए तो जो हमारा रियोस्टेट है वो एक्ट करता है एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये किस तरीके से वेरिएबल रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट करता है अभी हम इसके बारे में देखते हैं। जिस पॉइंट पर आप अपने स्लाइडिंग टर्मिनल को उस रेजिस्टेंस के ऊपर आप ही रोकते हैं उसे आप पॉइंट पी का नाम दे लीजिए। अब इस पूरे जो आपका रियोस्टेट है उसके अंदर जो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो वैल्यू डिपेंड करेगी जितनी रेजिस्टेंस ए और पी के दरमियान होगी। यानी कि यहाँ पर हम फर्ज कर लेते हैं कि स्मॉल रेजिस्टेंस आर है तो पूरे रियोस्टेट की वायर के अंदर जो रेजिस्टेंस इस वक्त होगी वो रेजिस्टेंस ए और पी के दरमियान मौजूद डिस्टेंस के इक्वल होगी। जिस तरीके से आप इस पॉइंट सी पे मौजूद इस स्लाइडिंग टर्मिनल को मूव कराते हैं, यानी कि सी हमारा स्लाइडिंग टर्मिनल है जिसे आप यहाँ हाथ से यहाँ पर पुश करते हुए पूरी वायर के ऊपर घुमाते, जैसे जैसे आप उसको सी की तरफ लाएंगे, जैसे जैसे आप इस स्लाइडिंग टर्मिनल को मूव करते हुए सी की तरफ ले जाएं, यानी इस तरफ मूव करा रहे हैं आप, तो जाहिर सी बात है ए और पी के दरमियान जो डिस्टेंस है बढ़ रहा है। इसका मतलब है जैसे जैसे हमारा स्लाइडिंग टर्मिनल मूव करेगा, आप इसे इस तरह से लिख लीजिए कि पी जो है पी मूव टूवर्ड्स ए, टूवर्ड सी, हाँ जी सी की तरफ मूव कर रहा है ना। यहाँ से अगर हम बात करें कि अगर हम स्लाइडिंग टर्मिनल को अपने राइट साइड पे सी टर्मिनल की तरफ मूव कराएं
तो ए और पी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ कर देगा। ए और पी के दरमियान जब डिस्टेंस इंक्रीज़ करेगा तो इसका मतलब है कि जो हमारी रेजिस्टेंस है वो मैक्सिमम हो जाएगी। रेजिस्टेंस मैक्सिमम इसलिए होगी क्योंकि ए और पी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ कर देगा। ए पी, आप इसी तरह से लिखिए, ए पी डिस्टेंस इंक्रीजेस, डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। जैसे ही इनका डिस्टेंस इंक्रीज़ करेगा तो इनके दरमियान जो रेजिस्टेंस स्मॉल आ रहा है वो मैक्सिमम हो जाएगी, जिसे आप आर मैक्सिमम लिख सकते हैं। और जैसे ही आप स्लाइडिंग टर्मिनल को इस तरीके से मूव करें कि ये ए की तरफ आ जाए, तो जब ये ए की तरफ आएगा यानी कि हमारा जो पॉइंट पी है वो मूव करेगा टूवर्ड्स ए, जैसे ही यहाँ पर भी टूवर्ड्स आना चाहिए था टूवर्ड्स ए, तो उस वक्त जो हमारी रेजिस्टेंस है वो मिनिमम हो जाती है। मिनिमम इसलिए हो जाती है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही बात की है कि इस पूरे रियोस्टेट के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करती है ए और पी के दरमियान कितना फासला है। जब भी स्लाइडिंग टर्मिनल कम्प्लीटली ए पर आ जाएगा तो उस सिचुएशन में तो यहाँ पर मौजूद डिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा, स्मॉल आर जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। आर के ज़ीरो होने की वजह से ए पी के दरमियान जो डिस्टेंस है इसे इस तरह से लिख लेना चाहिए कि मिनिमम उस वक्त होगी जब आर के दरमियान डिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगा, और आर के दरमियान डिस्टेंस उस वक्त ज़ीरो होगा जब ए पी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज कर जाएगा। यानी कि आर जो है वो ज़ीरो उस वक्त होगा जब पी और ए के दरमियान डिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा, बहुत कम रह जाएगा। उस वक्त इस रियोस्टेट की जो रेजिस्टेंस है वो मिनिमम होगी, बहुत कम होगी, और ये उस कंडीशन में होगा जब हम अपने स्लाइडिंग टर्मिनल को ए पॉइंट की तरफ मूव कराते हैं। अगर हम अब सेकंड केस की बात करें तो सेकंड केस में बात ये है कि सेकंड केस, पहली बात तो ये कि हमारा जो रियोस्टेट है वो एक्ट करेगा एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस उसी वक्त जब हम अपने दो फिक्स टर्मिनल में से, यानी कि रियोस्टेट के दो फिक्स टर्मिनल हैं उनमें से कोई एक टर्मिनल इस्तेमाल कर लें। जैसे पीछे वाले केस में हम लोगों ने टर्मिनल ए इस्तेमाल किया था, अब इस केस में हम यूँ करते हैं कि हम यहाँ पर टर्मिनल बी और सी इन दोनों को इस्तेमाल कर लेते हैं। इन दोनों को जब इस्तेमाल करेंगे, जब हम बी और सी को इस्तेमाल करेंगे तो उस वक्त ये जो है ये हमारा स्लाइडिंग टर्मिनल इस तरीके से है। यहाँ पर जब हम बी और सी को इस्तेमाल करेंगे, इसे इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि सर्किट में जब भी आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक वायर को आपने जो है सी से लगा दिया और दूसरे वायर को आपने पॉइंट बी से कनेक्ट कर दिया। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ना कि आपके पास दो तीन टर्मिनल्स हैं, अगर आप एक वायर यहाँ लगा दें और फिर बाकी अप्लायंसेस से जोड़कर वापस आके दूसरी वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर दें तो इसका मतलब है आप उस सर्किट में इस टाइम जो है सी और बी को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको सी और ए को इस्तेमाल करना है तो आप सी के साथ कनेक्ट करके वायर को फिर बैटरी डिफरेंट अप्लायंसेस लगा कर ए से आकर कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये मतलब है ए और सी और ए और बी को, यानी सी और बी को इस्तेमाल करने का। जब हम सी और बी को इस्तेमाल कर रहे हैं तो सी और बी के दरमियान यानी कि उस वक्त जो वायर की रेजिस्टेंस होगी वो डिपेंड करेगी पी और बी के दरमियान जितना डिस्टेंस है, यानी कि इस सिचुएशन में जो हमारी आर है वो पी बी के दरमियान मौजूद डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी। जैसे जैसे हमारा ये स्लाइडिंग टर्मिनल पॉइंट बी से मूव करता जाए दूर, यानी कि इस तरीके से मूव करता जाए कि इसको मैं अपने लेफ्ट साइड की तरफ मूव कराते कराते पॉइंट ए तक पहुंचा देती हूँ, तो अब आप देखिए पॉइंट पी जो है वो यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। जब यहाँ शिफ्ट कर जाएगा तो ये डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा पी और बी के दरमियान। तो इसका मतलब है जैसे हमारा स्लाइडिंग टर्मिनल मूव करेगा, यानी कि हम लिख देते हैं कि पॉइंट पी जो है मूव्स अवे फ्रॉम बी, यानी कि पॉइंट बी से दूर जाएगा, उस वक्त जो हमारी रेजिस्टेंस है आर, यहीं से भी यहाँ पर मैक्स कैपिटल आर ही लिख लेना चाहिए, तो ये कैपिटल आर जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी क्योंकि इस वक्त जो मैक्सिमम आर है वो स्मॉल आर के इक्वल है। आर इस सिचुएशन में ज़ीरो नहीं है बल्कि कुछ और वैल्यू हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो जाएगी लेकिन ज़ीरो नहीं होगी, वो आर के इक्वल है। और आर जो है वो डिपेंड करता है पी और बी के दरमियान डिस्टेंस के, जो कि पी और बी का डिस्टेंस इस सिचुएशन में इंक्रीज़ कर रहा है, डिस्टेंस इंक्रीजेस। और जैसे ही आप अपने स्लाइडिंग टर्मिनल को बी पॉइंट पर मूव कराएं, यानी जो आपका पी पॉइंट है वो इस तरीके से मूव करे, इसे मैं इस तरह से बना लेती हूँ कि पॉइंट पी जो है वो मूव करता करता आपके राइट से जो है वो लेफ्ट साइड पर आ जाए, तो पी और बी के दरमियान डिस्टेंस जो है वो तो बिल्कुल ज़ीरो रह गया। इसका मतलब है इस सिचुएशन में जो आपका स्मॉल आर है वो ज़ीरो हो गया, तो इसका मतलब है इस सिचुएशन में जो रेजिस्टेंस है पूरी रियल स्टेट के अंदर वो ज़ीरो हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। तो जब हमारा पॉइंट पी मूव्स करता है टूवर्ड्स बी की जानिब टूवर्ड्स बी, देन जो हमारे रेजिस्टेंस है वो मिनिमम हो जाती है क्योंकि आर जो है वो ज़ीरो हो जाता है, और आर ज़ीरो इस वजह से होता है कि पी और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है
वो इस सिचुएशन में डिक्रीज करना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से जो है हम लोग रियोस्टेट को एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं इसके कोई से दो टर्मिनल को, एक फिक्स टर्मिनल को और एक स्लाइडिंग टर्मिनल को इस्तेमाल करके। क्योंकि इसके दो फिक्स टर्मिनल थे तो हम लोगों ने दोनों केस डिस्कस कर लिए कि जब हम ए टर्मिनल को इस्तेमाल करें तब क्या सिचुएशन होगी और जब टर्मिनल बी को स्लाइडिंग टर्मिनल के साथ इस्तेमाल करें तब क्या सिचुएशन होगी। अब इसकी दूसरी टाइप पढ़ते हैं जिसमें इसको एज अ पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। एज अ पोटेंशियल डिवाइडर रियोस्टेट को इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सर्किट के अंदर जो है पोटेंशियल डिफरेंस को और पोटेंशियल डिफरेंस को जो है डिवाइड कर देता है। इसकी कंस्ट्रक्शन हम इस तरह से करते हैं कि हमें मालूम है कि जो हमारा रियोस्टेट है वो इस तरीके का बना हुआ है कि इसके दो टर्मिनल जो हैं वो फिक्स होते हैं, टर्मिनल ए और बी जो है वो फिक्स होते हैं, और एक तीसरा टर्मिनल होता है जिसे हम स्लाइडिंग टर्मिनल बोलते हैं जो कि सी है। अब हम करते ये हैं कि हमारे पास जो दो फिक्स टर्मिनल होते हैं उनके साथ हम लोग बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं जब हम पोटेंशियल डिवाइडर की बात करते हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिवाइडर जो है वो पोटेंशियल से रिलेटेड है और पोटेंशियल किसी भी सर्किट में उस वक्त आएगा जब हम उसे बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने बैटरी के साथ रियोस्टेट के ये दो टर्मिनल जो कि फिक्स हैं उन्हें कनेक्ट कर दिया, और सी टर्मिनल जो है वो वैसे स्लाइडिंग टर्मिनल वो उसके ऊपर ही होता है, तो इस तरीके से इसको कंस्ट्रक्ट कर दिया। इस सिचुएशन में हमारी जो बैटरी है उसकी रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, जो हमारे रियोस्टेट की रेजिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। यहाँ पर एक पॉइंट पी लेट कर लेते हैं। अगर अब हमें ये मालूम करना हो कि हमें जो है पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है ए और सी के दरमियान, यानी ए और सी के दरमियान हमें पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है, तो वो हम किस तरीके से मालूम करेंगे। ए और सी के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिपेंड करता है इस रेजिस्टेंस आर पे। जितनी ये रेजिस्टेंस स्मॉल आर इंक्रीज होगी, क्योंकि हमें मालूम है कि पी और ए के दरमियान जो रेजिस्टेंस आर है वही इस पूरे रियोस्टेट की रेजिस्टेंस आर होगी, जैसे कि अभी हम लोगों ने वेरिएबल रेजिस्टेंस के केस में किया है। सिमिलरली वही वाला तरीका यहाँ पर भी अप्लाई होता है, बस फर्क सिर्फ बैटरी का आ जाता है यहाँ पर। अब ए और सी के दरमियान जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना ही इस रेजिस्टेंस आर के लिए ज़्यादा होना ज़रूरी है। अगर अब मैं ये बात कहूँ कि मुझे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है पॉइंट ए और पी के दरमियान, क्योंकि जितना पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट ए और पी के दरमियान होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट ए और सी के दरमियान होगा, क्योंकि सी जो है वो स्लाइडिंग टर्मिनल पी से कनेक्ट करता है। तो जितना यहाँ पर होगा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही पॉइंट ए सी पर भी होगा। अगर मैं पॉइंट ए और पी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस की बात करती हूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस मुझे मालूम है कि आई इंटू आर का प्रोडक्ट होता है। यहाँ पर मैंने कैपिटल आर इसलिए इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि कैपिटल आर जो है वो बैटरी की रेजिस्टेंस है, रियोस्टेट की रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। तो हम लोग तो रियोस्टेट के लिए ए और सी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाह रहे हैं ना, तो यहाँ पर स्मॉल आर इस्तेमाल कर लिया। दूसरी बात ये कि ओहम्स लॉ के मुताबिक अगर वी इज इक्वल्स टू आई आर है और मुझे आई का रिलेशनशिप चाहिए तो मैं वी डिवाइडेड बाई आर लिख सकती हूँ, ये मुझे आई की वैल्यू दे देंगे। अब अगर इस i की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में लगा लूँ तो यहाँ v बाई आर इंटू आर स्मॉल आ जाएगा और ये p जो है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन a और p निकल आएगा। अगर मैं इस चीज़ को कांस्टेंट रख लूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस r जो कांस्टेंट है इस सिचुएशन में, तो मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन a और p ये डायरेक्टली आ जाएगा। इसे इस तरीके से कह सकते हैं कि उसे कांस्टेंट ले लिया, तो यहाँ पर कांस्टेंट इंटू स्मॉल r, और इज इक्वल्स टू के बाद जब भी कांस्टेंट हो तो इसे मैं प्रोपोर्शनैलिटी से बदल सकती हूँ। इसका मतलब है कि ई और पी के दरमियान रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है आर के साथ। जितना आर ज़्यादा होगा उतना ही ए और पी के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ज़्यादा होगा। अगर मैं ये कहूँ कि ई और पी के दरमियान जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस ई और सी के दरमियान है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस मिनिमम होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मिनिमम होगा उस वक्त, मिनिमम होगा या ज़ीरो होगा उस वक्त जब हमारा पॉइंट पी जो है, व्हेन पी जो है वो मूव करेगा टुवर्ड्स ए, जब ये ए की तरफ मूव करेगा तो आप खुद भी देखें कि ए की तरफ जैसे जैसे पॉइंट ए आ जाए पी आता चला जाएगा, यानी कि लेफ्ट साइड पे मूव करेगा, तो इसका ये जो डिस्टेंस है जो हमें रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है वो तो कम होता जाएगा। जैसे ही वो कम हो जाएगा तो हमारी रेजिस्टेंस जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो अगर रेजिस्टेंस ज़ीरो है तो इसका मतलब है हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी ज़ीरो हो गया। अब अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम हो, मैक्सिमम की बात करें
तो ये मैक्सिमम उस वक्त होगा जब हम यहाँ पर ज़ीरो नहीं बल्कि कोई और वैल्यू भी हो सकती है, कोई भी वैल्यू, ये उस वक्त होगा व्हेन जो हमारा पी है वो मूव करे अवे फ्रॉम ए या टूवर्ड्स सी कह सकते हैं। तो उस सिचुएशन में जो है हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है ए और सी, ए और पी के दरम्यान मैक्सिमम होगा, और जितना ए और पी के दरम्यान मैक्सिमम होगा वो इस वजह से क्योंकि पॉइंट पी जो है वो अब ए से दूर मूव कर रहा है और इनके दरम्यान डिस्टेंस जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, जिसका मतलब है रेजिस्टेंस आर जो है रेजिस्टेंस की बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे ए और पी के दरम्यान पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा, इसका मतलब है ए और सी के दरम्यान भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता चला जा रहा है। तो इस तरीके से रियल स्टेट को हम लोग एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस इस्तेमाल करते हैं, एज अ पोटेंशियल डिवाइडर इस्तेमाल करते हैं। और जो तीसरा मेथड है वो ये है कि हम किस तरीके से रियल स्टेट को एज अ करंट डिवाइडर इस्तेमाल कर सकते हैं, करंट डिवाइडर। करंट डिवाइडर में हम ये करते हैं कि हमें मालूम है कि रियल स्टेट की कंस्ट्रक्शन में दो चीज़ें तो मस्ट हैं कि इसके दो फिक्स टर्मिनल होते हैं और तीसरा टर्मिनल जो है वो स्लाइडिंग टर्मिनल है, ये पॉइंट पी पर, ये पॉइंट सी आ गया। जब हम लोगों ने रियल स्टेट को इस तरीके से इस्तेमाल करना होता है कि ये करंट डिवाइडर के तौर पर सर्किट में जो है वो एक्ट करे, तो हम करते ये हैं कि इसका फिक्स टर्मिनल, कोई सा एक फिक्स टर्मिनल जैसे कि ए ले लिया और एक स्लाइडिंग टर्मिनल इसे बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। जब इसे बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो अब जो हमारा रियल स्टेट है वो एक्ट करेगा ऐसा करंट डिवाइडर। अब भी इस सिचुएशन में हमारे पास यहाँ पर रेजिस्टेंस आ रहा है, क्योंकि हमने बात की कि जितनी रेजिस्टेंस ए और पी के दरमियान है उतनी रेजिस्टेंस इस रियल स्टेट की होगी, इस रियल स्टेट के ऊपर वो लपेटी हुई जो वायर है उसकी रेजिस्टेंस जो है उतनी ही होगी जितनी ए और पी के दरमियान होगी। अगर हम करंट की बात करें, हो सकता है आप इसके साथ कोई एक वायर लगा के ना एमीटर भी इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि आप करंट को ठीक तरीके से मेजर कर सकें। जैसा कि आपको मालूम है कि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है सर्किट के, किसी भी सर्किट के लिए जिसे आपने बैटरी से कनेक्ट करके कंप्लीट सर्किट बनाया हुआ है, उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा आई इंटू स्मॉल आर है। तो आई इंटू स्मॉल आर आ गया, अगर मैं आई के लिए सिर्फ रिलेशनशिप निकालूं तो आई जो है मेरे पास वी बाय आर आ जाता है। अगर मैं वी कहूँ कि वी जो है वो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि कांस्टेंट होगा, हो सकता है 6 वोल्ट की बैटरी हो जो कि कांस्टेंट है, तो अगर मैं इसे कांस्टेंट मान लूँ तो अब आई जो है वो कांस्टेंट डिवाइडेड बाय आर आ जाएगा। तो इसे मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ ना कि आई इनवर्सली रिलेटेड है विद आर। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस इंक्रीज करता जाएगा सर्किट में से गुजरने वाला करंट कम होता चले जाएगा, और जैसे ही ये रेजिस्टेंस कम होगी सर्किट में से गुजरने वाला करंट इंक्रीज होता चला जाएगा। वैसे भी तो देखा जाए तो करंट और रेजिस्टेंस का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप ही होता है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो मज़ाहमत होती है, करंट को फ्लो नहीं करने देती, रेजिस्ट करती है। जितना किसी चीज़ में से ज़्यादा करंट फ्लो करता है इसका मतलब होता है उस चीज़ के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स की टकराव है या उनके अंदर जो भी रेजिस्टिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो कम है, और अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है तो इसका मतलब है उसके अंदर से करंट जो पास करने की एबिलिटी है वो कम है। इसका मतलब ये है कि अगर रियल स्टेट एक्ट करता है एज अ करंट डिवाइडर उस सिचुएशन में जब हमारे पास आर जो है वो इनवर्सली रिलेटेड है हमारे करंट के साथ, तो मतलब ये हुआ कि जैसे ही हमारा पॉइंट पी मूव करेगा ए की तरफ तो जाहिर सी बात है इसका जो ये स्मॉल आर डिस्टेंस है वो कम होता होता पॉइंट पी पर पहुँच कर ज़ीरो हो जाएगा। तो जब ये पॉइंट पी की तरफ मूव करेगा, यानी कि हमारा पॉइंट पी जो है वो मूव करेगा टुवर्ड्स ए, तो उस वक्त जो रेजिस्टेंस है ज़ीरो हो जाएगी, जो कि बताएगी कि करंट इस पोजीशन में मैक्सिमम है। इसी तरीके से अगर जो पी है वो मूव करे अवे फ्रॉम ए तो उस सिचुएशन में जो डिस्टेंस है वो बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब है कि आर जो है वो मैक्सिमम हो रही है, आर मैक्सिमम हो रही है इसका मतलब है कि करंट ज़ीरो हो गया। तो इस तरीके से आपको पता चलता है कि आपने अपने सर्किट के अंदर अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक अगर आपको करंट चेंज करना है, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करना है या रेजिस्टेंस चेंज करना है तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपने रियल स्टेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तरीका है कि एक ही डिवाइस को आप कितने मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं और आपके सर्किट में जो है वो कॉम्प्लिकेशंस नहीं पैदा होती बल्कि आप आसानी से अपना काम कर सकते हैं। तो ये इस रियल स्टेट का एडवांटेज है कि हम इसे किस तरीके से अपनी लैब्स के अंदर अपने सर्किट्स में इस्तेमाल करते हैं।